जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे ना, तो यही सोचा करते थे कि हम क्लास 6 में कब जाएंगे। 6वीं कक्षा में जाकर हमें एक चीज को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा, और वो चीज थी हमारी स्याही वाली पेन। क्योंकि 1 से कक्षा 5 तक हमारे ज़माने में स्याही यानी कि दवात और कलम यानी कि स्याही में डूब कर जिस पेन से लिखा जाता है, वो दिन भी क्या दिन थे। और 6ठी कक्षा में जाकर हमें जो अपनी काबिलियत पे खुमार होता था, जो भरोसा होता था, जो खुशी मिलती थी, वो खुशी तो अब ढूंढने से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें वो स्याही की पेन छोड़कर पायलट पन डॉट पेन से लिखने की एक ताजगी सी महसूस हो जाया करती थी जब हम 5वीं पास होकर 6ठी में गए थे। आज अगर सब कुछ है मेरे पास, आज अगर सब कुछ है मेरे पास, तो वो पुराने दिन, वो पुराने पल, वो एहसास तो नहीं है ना, जब उन पुराने एहसासों को मैं अभी याद करता हूँ ना, तो जाने अनजाने उसी पुरानी दुनिया में पहुंच जाता हूं। अपनी डायरी को जब मैंने पलटाना शुरू किया ना, तो एक एक पन्ने में जो दिल की बातें थी, जो कश्मकश थी, वो मैंने लिखी थी। सुनी रातों में ख्याल आता है, सुनी रातों में ख्याल आता है, मेरे हमदर्द सवाल आता है। कोशिशें ना कर पाने की मुझको, कोशिशें ना कर पाने की मुझको, तेरी कोशिश में बवाल आता है। तेरी कोशिश में बवाल आता है। सुनी रातों में ख्याल आता है, मुकम्मल हो जाऊं जो तेरी चाहत में, मुकम्मल हो जाऊं जो तेरी चाहत में, तुझे खोने का मलाल आता है। सुनी रातों में ख्याल आता है, जब से देखा बिछड़ते आशिकों को, जब से देखा बिछड़ते आशिकों को, फीकी गलियों में गुलाल आता है, फीकी गलियों में गुलाल आता है, सुनी रातों में ख्याल आता है। सवाल और ख्याल फर्क बताते हैं, सवाल और ख्याल फर्क बताते हैं, मुझे फिर भी ये कमाल आता है। सुनी रातों में ख्याल आता है। दोस्तों मित्रों, ये कुछ मेरे दिल से पंक्तियाँ थी जो मैंने आज आपके सम्मुख पेश की हैं। पता है दुख कब होता है? दुख तब होता है ना जब इस जमाने की हकीकत देखने को मिलती है। ऐसा ही वाकया जब मैंने देखा ना, तो खुद एहसास हुआ कि कमा लिया मैंने, बचा लिया मैंने, लेकिन अंत में ना मेरा कमाया हुआ मेरे साथ गया, ना मेरा बचाया हुआ मेरे साथ गया, वो तो किसी दूसरे के काम आया। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है ना दोस्तों, तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया धन, जी हाँ बिल्कुल, कमाया हुआ धन, कमाई हुई दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, उसका बैंक बैलेंस, वो सारी चीज़ें तो उसके साथ नहीं दी जाती ना। और तो और उसके हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी तक निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ते किन चीज़ों पर हैं। कड़वी है पर बात सच है, पर बात सच है दोस्तों, ये सच है, जी हाँ दोस्तों ये सच है, क्योंकि आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हम दर्द कैसा है, घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, ठोस
होकर बता देती है ध्यान कैसा है, नजरें बता देती है सूरत कैसी है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। ना जाने लोग क्यों कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं अगर हमारे सर पर हाथ हमारा माँ का हो, हमारे पिता का हो, तो लकीरों की ज़रूरत ही नहीं होती लकीरों की ज़रूरत ही नहीं होती। ना आँखों से छलकते हैं ना कागज़ पर उतरते हैं, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो बस भीतर ही पलते हैं, जो बस भीतर ही पलते हैं। दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा अंत में, आपका जो प्यार है इसे बरकरार रखना, जब तक जीवित हूँ ऐसे ही अनमोल किस्से ज़िंदगी की आपको सुनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।